आता ते मला गेलेली आहे, आता फक्त आपली कर्म आपल्याकरता बोलतील आणि माझी तर नक्कीच बोलतील. त्यामुळे आजपासून तयार व्हा, कारण ह्या सगळ्या लढाईमध्ये एकच स्टार आहे आणि तो तुमच्या एक एक कर्म माझ्या बरोबर उभा राहणारा काँग्रेसचा एक एक व्यक्ती आहे, त्याच्यामध्ये एक एक कार्यकर्ता आहे आणि त्याच्यामध्ये मोठे मोठे माझ्या मागे नेते आहेत, त्यांचं सहकार्य मला आहे, त्यांच्या सूचना त्यांच्या ऍडवायसेस मला आहेत आणि माझ्या बरोबर काम करणारे असलमभाई भूषणजी शिवाजी या सगळ्यांसारखे अनेक लोक माझ्या बरोबर आहेत आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त मला अजून काही नको. आणि सगळ्यात महत्वाचं, तुम्हा सर्वांचे आशीर्वाद माझ्या बरोबर. मला असं वाटतं भूषण पाटील दिखाता हूँ, इधर है तो उधर बैठे. Okay, I'll tell you what. I'll tell you what. Let us just do two questions with everybody. Yeah, yeah, just yeah, come yeah, yeah, yeah. And please, please have some respect towards each other, no? I believe that every citizen of this country has a right to make his own choice on each and every basic right that has been given to him by the constitution. And when those things are in peril, people like me and many more, I hope, stand up for all of them, come out and remind people that the time is now. If each one of us, or each one of those people who fought for our independence would have thought that why me and not bothered and gone ahead and say that let it be, I don't think we would have been where we are today. So we need to protect that freedom. We need to get up and stand up now, and that is why I'm standing here. Thank you. You can go that side because of this. सामने से लो वो ठीक है, वो वही बोल रहे हैं. अरे करा इतुन करा कुतुन कर करा ये बोल रहे हैं. अरे बॉस यहाँ से लेके गुरुमला जी एक तरफ वो 5 साल का अनुभव गोपाल चट्टी से के पास है, 5 साल से बीच में है, आपको मात्र 1 महीना दिया देंगे. इस तरफ क्या मुझे लगता है आपने खुद ही कहा कि जो कहना था. अब मैं क्या कहूँ कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे पास माँ है. खैर जोक्स असाइड, लेकिन मेरे पास लोग हैं, मेरे पास, मेरे दिल में विश्वास है कि मेरे ये जो लोग हैं वो मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं इनके साथ एक स्टार बनकर उनके सामने नहीं आ रही हूँ. मैं इनके सामने एक उनका प्रतिनिधि बन के आई हूँ. मैं इन्हें सिर्फ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो ऑलरेडी वो जानते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि उसके बाद वो मेरे साथ खड़े रहेंगे. मेरे पास एजेंडा नहीं है, मेरा ऑनेस्टी ही मेरा एजेंडा है. मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, मेरे पास कोई पीआर भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे मैडनेस के साथ. लेकिन मुझे लगता है जिस इंसान के दिल में ऑनेस्टी होती है और जिन इंसान को पता होता है कि हमें जाना कहाँ है ज़िंदगी में, उनसे उन्हें लगता है कि वो कुछ सही करके दिखाएंगे. थैंक यू. नहीं नहीं, बता देता हूँ कि आप नहीं बकरा बनेगी, बीजेपी वाले आप बकरा बनेंगे आपके यहाँ से आने का. और मैं सिर्फ मजाक नहीं, किसी आपको चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एरिया से कनेक्टेड लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं. संजय जी बहुत बढ़िया उम्मीदवार थे आपने, बीजेपी हार सकती है. मैं बता रहा हूँ बीजेपी यहाँ पे हारेगी, बोलो हारेगी कि नहीं बीजेपी. और इसलिए आज से ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आपके सामने प्रस्तुत करें. बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी. मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित उत्तर मुंबई के सभी कार्यकर्ताओं, नेतागणों की ओर से आपके इस क्षेत्र के पूर्व सांसद संजय निरुपम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2009 में से लेकर 2014 तक जब उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, मैं उनके साथ पार्लियामेंट में था लोकसभा में, और मैंने देखा कि उत्तर मुंबई की जो भी समस्याएं थी, स्थानिक समस्याएं से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं थी, संजय निरुपम जी ने उन समस्याओं का, हमारे सोनल जी, हमारे एनसीसी के सचिव,
आरिफ नसीम खान जी, असलम शेख जी, सचिन सावंत जी, सरीना जी, मंच पर उपस्थित अन्य सज्जनों, और खास करके मैं आपको बता दूं कि जब एक सप्ताह पहले जब संजय निरुपम जी ने मुझे कहा कि मिलन जी उर्मिला मातोंडकर जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती और पार्टी में शामिल होना चाहती, क्योंकि मैं उर्मिला जी को कई सालों से जानता हूँ, जब हमारी उर्मिला जी से हमारी बात हुई तब संजय जी आपने जो कहा कि उर्मिला जी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उर्मिला जी में वो ताकत है, वो विचारधारा है जो हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में। उर्मिला जी ने हमें, संजय जी को और मुझे कहा, और जब राहुल जी से उनकी मीटिंग हुई तब राहुल जी को उन्होंने स्पष्ट कहा कि राहुल जी, मैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों विचारधारा में विश्वास करती हूँ और मैं आपको यकीन दिलवाना चाहती हूँ कि मैं केवल चुनाव तक आपकी पार्टी से जुड़कर काम नहीं करूँगी, इसके बाद भी मैं आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर मुंबई के सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनके स्थानिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी आवाज़ लोकसभा तक पहुंचाने के लिए मैं तन मन धन लगाकर आपके साथ काम करना चाहूंगी। मैं भी इस बात को दोहराना, संजय जी ने कहा, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उर्मिला जी आपके लिए, उत्तर मुंबई के लिए, मुंबई कांग्रेस के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है, और मैं उर्मिला जी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वे एक ऐसी नेता बनकर काम करेगी, सांसद बनकर काम करेगी, जो पिछले 5 सालों में अफसोस की बात है कि आपके सांसद नहीं थे। कौन होते हैं? क्योंकि मुंबई किसकी है? मुंबई कांग्रेस की थी और रहेगी, और 5 वर्षों में कुछ भी नहीं बदलेगा। सो हम सब अगर एक साथ रहे, इस हाथ की अगर मुट्ठी बन के हम उनके सामने जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम में से किसी को भी कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप हमारे साथ हैं। मैं हाथ जोड़ के हर एक कार्यकर्ता से मैं विनती करती हूँ कि मेरे साथ रहिए, अपने छोटे मोटे गिले शिकवे दूर रखिए, अगर हम सब साथ हैं तो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, और मैं आपके साथ हूँ, इसकी मैं आपको पूरा पूरा